पद्मावत अब बिना किसी क्लेश के 25 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है और यहाँ सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड होने के लिए पद्मावत को कई पापड़ बेलने पड़े। साथ ही फिल्म में 130 कट लगाए गए और सबसे बड़ा फेरबदल फिल्म के घूमर सॉन्ग में किया गया। घूमर सॉन्ग आउट होने पर इसको लेकर बहुत विवाद और हंगामा किया गया, क्योंकि यहाँ करणी सेना का कहना था हमारी रानी को गलत तरीके से दिखाया गया है और फिल्म में रानी पद्मावती के कपड़े सही नहीं है, और यही बात सेंसर बोर्ड ने भी बताई। फिर क्या था, फिल्म में घूमर सॉन्ग की रीएडिटिंग की गई और फिल्म के इस सॉन्ग में रानी पद्मावती के कमर को ढक दिया गया। और घूमर सॉन्ग आपने यदि पहले देखा होगा तो अब ये सॉन्ग आपको बिल्कुल ही बदला हुआ दिखेगा। और यहाँ हमें कमाल की कंप्यूटर की करामत देखने को मिली। तो अब सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड होने के बाद पद्मावती हिंदी के साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज होने को तैयार है। और यह फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कहने पर अक्षय कुमार ने भी खुशी खुशी अपनी मूवी पैडमैन को पोस्टपोन कर दिया और अब पैडमैन 9 फरवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। तो पद्मावती अब अपने नए रूप के साथ सिनेमाघरों में आएगी। साथ ही देखते रहिए बॉलीवुड फैन, और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।